24 न्यूज एक्सप्रेस आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज जिला मलेरिया अधिकारी बालाघाट डॉक्टर मनीषा जुनेजा द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मी को मंच में उपस्थित होकर समर्थन दिया गया। बालाघाट जिले के शहीद भगत सिंह हॉस्पिटल के सामने जिले के समस्त विकास खंड से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया, जिसमें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जैसे NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमित किया जावे, NHM सपोर्ट स्टाफ को आउटसोर्सिंग से हटाकर तत्काल NHM में वापस लिया जाए एवं अप्रेजल एवं अन्य कारणों से निष्कासित MPW मलेरिया वर्कर सहित निष्कासितों को तत्काल NHM में वापस लिए जाने हेतु आदेश पारित किया जाए। प्रदेश सरकार ने हम लोगों के साथ धोखा किया है, झूठा आश्वासन दिया। जब तक के हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। प्रदेश सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज करेगी तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस से संजना मोनू बर्वे की रिपोर्ट। ऐसा मुझे लग रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रयास सिर्फ जिला स्तर से नहीं हो रहा है, स्टेट लेवल से है और स्टेट में भी आपके जितने साथी बैठे हुए हैं एक लंबे संघर्ष के बाद। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस बैतूल से ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। बहुत अच्छा प्रयास है, मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को। और कल मैंने बोला भी है कि अगर किसी प्रकार से हमारी किसी सेवा की आवश्यकता आपको महसूस होती है, जो हमारी सीमाएं हैं, जहां तक हम कर सकते हैं, हम रूप से करेंगे। संभवतः NHM की ये जो लड़ाई चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन चलेगी, बस आज या कल परसों नए साल में कुछ अच्छी खबर आप लोगों को मिलेगी। और आप सबके साथ के बिना हेल्थ विभाग वैसे ही सर्वाइव नहीं कर सकता, ये लोग महसूस कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं। तो सबकी अच्छी अच्छी बात ये लगती है कि चलो किसी का हिस्सा बनना, किसी का चाहे कोई तंत्र हो, किसी का जीवन हो, उसका हिस्सा बनना और थोड़ा सा अलग होने पर सामने वाले को महसूस कराना, ये सबसे बड़ी सफलता होती है जो आप लोगों ने हासिल की। इतना आप लोगों को दिल से बधाई दे रही हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि जो लड़ाई आपके द्वारा लड़ी जा रही है उसको लड़ने की शक्ति आपको दे, सद्बुद्धि आपको दे और सफलता आपको दे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, हमारी आदरणीय मैडम जी ने हमारे बीच में रखे, हम तहे दिल से आदरणीय मैडम जी का एक बार आभार व्यक्त करते हैं और तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हमारा यह संविदा मंच, हमारे प्रत्येक भाई आपके आशीर्वाद से यह हमारा पंडाल सफल हो गया है और हम इस आशा में हैं कि हमारे बीच जितने भी समाज या साथी जो मौजूद है इन पलों को ऐतिहासिक रूप में संजोए रखेंगे। बहुत फख्र की बात है।